सिंगरौली जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाने के विरोध में काला दिवस मनाया। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के बेढ़न में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार का विरोध करते हुए कमलनाथ जिंदाबाद का नारा लगाया। साथ ही कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल की जुबान भी फिसल गई। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि कमलनाथ को बर्खास्त कर देना चाहिए। जी ने उस वक्त 70% युवाओं को स्थानीय रोजगार देने के लिए बात कही थी, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इन सब के विरोध में हम लोग कमलनाथ सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से देना चाह रहे दिए हैं। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल द्वारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए कार्य किया जाता रहा है। उनके कार्यक्रम में कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए एवं कमलनाथ को बर्खास्त करने की बात भी कही गई। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के कांग्रेस पार्टी शहर के सिंगरौली के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी ने कहा कि कमलनाथ सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कमलनाथ मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो बात दिल में रहती है वह जुबान से निकली है, कल ऐसा ही देखने को मिला। यह भी बताने की आवश्यकता नहीं कि अरविंद सिंह चंदेल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा सहायक सिद्ध हुए हैं।